अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFXMentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूँ अपनी क्लास नंबर 30th। एंड आज की क्लास में क्या होगा, एक्शंस। तो अब तक आप लोगों ने फोटोशॉप में देखे होंगे एक्शंस, अगर नहीं देखे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल जिन्होंने फोटोशॉप में देखे हैं तो मैं बता दूं कि हमारे पास इलस्ट्रेटर में भी एक्शंस हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आते हो तो आपका काम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, राइट। सो आइए देखते हैं यहाँ पर एक्शंस का क्या काम है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये देख लें कि एक्शंस का पैनल आएगा कहाँ से। अगर आप यहाँ जाते हैं विंडो में और इस विंडो में यहाँ सबसे टॉप पर ये देख रहे हैं एक्शंस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दें तो ये रहा आपका एक्शंस का पैनल। और इसमें यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर नुमा चीज बनी हुई आ रही है और जिसके अंदर डिफॉल्ट एक्शंस बने हुए आ रहे हैं। और ये डिफॉल्ट एक्शंस क्या है इनको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले इस पैनल को जरा सा समझ लें। यहाँ नीचे आपके पास एक डिलीट सिलेक्शन है, न्यू क्रिएट न्यू एक्शन है, क्रिएट न्यू सेट है, प्ले है, बिगिन रिकॉर्डिंग एंड स्टॉप प्लेइंग एंड रिकॉर्डिंग, राइट। अब इनका काम क्या है, ये कुछ बने बनाए से एक्शंस आपके पास दिए हुए हैं, लाइक ओपेसिटी 60%, ओपेसिटी 40, स्क्रीन सिलेक्शन। सो इनका काम ये है कि देखें, अगर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, और लेट सपोज मैंने इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसका कलर कुछ और है, ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि जो ये जो हमारा ऊपर ब्लू वाला है, यानी जो सिलेक्टेड है, याद रखिए यहाँ पर ब्रैकेट में सिलेक्शन लिखा हुआ है, तो ये सिलेक्शन पर ही अप्लाई होगा। मैं अगर इसको यहां से आके प्ले कर दूं तो इसकी ओपेसिटी 60% हो जाएगी। तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, लाइक देखिए मैंने खाली प्ले किया तो 60%। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम 60% तो वहां ट्रांसपेरेंसी के पैनल से भी जाकर के कर सकते थे, लेकिन देखिए मजे की बात यह है कि वहां पर आप जाएंगे, पैनल खोलेंगे एंड फिर ओपेसिटी ड्रैग करेंगे या वैल्यू डालेंगे, थोड़ा सा बड़ा काम है। यहां पर आकर के खाली आपने प्ले करना है। लेकिन एक और मजेदार सी चीज यहाँ पर यह है कि अगर आप इस एक्शंस के पैनल में यहाँ फ्लाई आउट बटन पर आते हैं और नीचे आके देखें, आपके पास दिया हुआ है बटन मोड। सो अगर मैं बटन मोड पर आ जाऊं तो ये आपके पास एक तरह से बटन्स बने हुए आ रहे हैं। तो अब देखें, मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, अब मुझे प्ले वगैरह करने की जरूरत नहीं, देखें यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर सिंपल से बटन्स आ रहे हैं। और अगर आप सिंपली यहाँ जाएं और लेट से ये जैसे ओपेसिटी 40% लिखा हुआ रहा है या 60% लिखा हुआ रहा है, आप सिर्फ इस पर क्लिक कर दें और ये आपका एक्शन प्ले हो जाएगा। सो यस, ये काफी हेल्पफुल है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी हम अपने एक्शंस बनाएंगे कैसे, राइट। सो सबसे पहले तो मैं इसको बटन मोड से हटा रहा हूं। ओके, ये आपका जो डिफॉल्ट एक्शंस हैं इनको देख लीजिएगा, मैं इस पे ज्यादा अभी वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ इससे देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एक्शन बनाना चाह रहा हूं और एक्शन ये होना चाहिए कि जी मैं कोई भी आइकन अगर बनाता हूं और उसके ऊपर मैं प्ले करूं तो वो मुझे ऑटोमेटिकली डिफरेंट साइजेस के आइकन्स बना के दे दे। नाउ ये अगर मैं डिफरेंट साइजेस के आइकन्स खुद बनाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सोचें अगर खाली एक क्लिक पर हो जाए तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, राइट। सो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम ये अपना एक्शंस बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि ये जो डिफॉल्ट एक्शंस का सेट है इसको तो छोड़ दें, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूं, मैं सिंपली यहां पर आ रहा हूं, यहां से क्रिएट न्यू सेट कर रहा हूं, ठीक है, और इसमें मैंने नाम दे दिया लाइक GFXMentor। ओके, अब ये देखें यहां पर एक सेट बना हुआ आ गया, अभी तक के एक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसे कुछ भी चीज बना के रख देता हूं यहां पर थोड़ी देर के लिए, बिल फर्स्ट लाइक मेरा दिमाग में ये है कि कोई भी साइज का बॉक्स या आइकन होगा उसके ऊपर हम जब प्ले करेंगे तो हमारे एक्शंस खुद ब खुद प्ले हो जाएंगे हर चीज पर। सो एक डेफिनेटली मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के रखना होगा यहाँ स्क्रीन पर, ताकि जिसके ऊपर मैं अपनी रिकॉर्डिंग करूं। याद रखिएगा कि आप एक्शन रिकॉर्ड करते हैं, सही है। सो सिंपली यहां पर आए और यहां पर मैंने इसको सेलेक्ट रखा हुआ है, यहां पर मैंने आके न्यू एक्शन पे क्लिक किया और मैंने इसका कहा कि आइकन साइजेस, नाम आप कुछ भी रख लें। प्लस यहां पर एक और मजेदार सी चीज ये है कि देखें यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस सेट में रखना है। दूसरी बात फंक्शन की, अगर आप शॉर्टकट लगाना चाह रहे हैं, सो मिसाल के तौर पे मैंने F2 रख दिया, ठीक है, और F2 को मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूं,
अब याद रखिएगा कि यार ये अगर आप खाली F2 रखते हैं तो ये आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि जो अगर शॉर्टकट्स आपके ऑलरेडी यूज में हैं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें, इसलिए यहाँ पर आप बस शिफ्ट भी दिया हुआ है, कंट्रोल भी दिया हुआ है, तो शिफ्ट कंट्रोल F2 अगर मैं दबाऊंगा तो ये आपका एक्शन प्ले हो जाएगा खुद ब खुद, आपको आकर के इवन बटन से या प्ले करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इस वक्त इसको शिफ्ट F2 रख रहा हूँ एंड कलर मैं रख रहा हूँ रेड। अच्छा, ये कलर का काम क्या है कि जब आप बटन मोड में रखेंगे तो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, राइट। एंड लेट्स रिकॉर्ड, जैसे मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा यहाँ पर ये आपका छोटा सा जो बटन है ये रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। जब तक अब आप काम करेंगे वो सारे स्टेप्स यहाँ पर रिकॉर्ड होते जाएंगे। सो सबसे पहले तो मैंने एक काम ये किया कि मैं अपने ट्रांसफॉर्म पैनल में गया और याद रखिएगा कि ये कंस्ट्रेंट विथ ऑन होना चाहिए वरना ये एक्शन प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने इसका सबसे पहले तो एक साइज दे दिया कि जी 32x32। ठीक है, दूसरा काम मैंने ये किया कि मैंने अपना लिया सिलेक्शन टूल, देखें जैसे ही मैंने 32x32 किया यहाँ पर एक स्टेप इसने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूं और ट्रांसफॉर्म में जाके ट्रांसफॉर्म ईच में जा रहा हूं। ये आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसफॉर्म ईच किस तरह से काम करता है, अगर नहीं देखा तो ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ जो ट्रांसफॉर्म ईच वाली क्लास थी उसका, वो देख लीजिएगा प्लीज, राइट। सो ट्रांसफॉर्म ईच पर मैं गया, यहाँ से मुझे ये करना है कि मुझे इसका एक साइज 64x64 और एक साइज 128x128 निकालना है, मतलब डबल साइज हर बार। सो मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि यहाँ से मैंने इसका हॉरिजॉन्टल स्केल बनाया तकरीबन 200% और 200% वर्टिकल स्केल। ठीक है, देखें यहाँ पर ये आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है, अगर प्रीव्यू ऑन ना हो तो ऑन कर लीजिएगा यहाँ से। उसके अलावा मैं इसको मूव कर रहा हूँ, इस वक्त यहाँ पर 100 पॉइंट्स मूव हुआ हुआ है, राइट, मैक्सिमम यहाँ पर यही दिया हुआ है। सो अगर मैं 200 पॉइंट्स करूँ तो ये 200 पॉइंट्स भी कर देगा। ठीक है, सो लेट्स कीप इट 150 पॉइंट्स, मैं इसको 150 पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ मैं कर रहा हूं कॉपी। ठीक है, जैसे ही मैंने कॉपी किया तो इसने क्या किया कि इस 32x32 को 64x64 पर यहां पर कॉपी कर दिया है, साइज की बात कर रहा हूं। ठीक है, एंड एक बार अगर मैं कंट्रोल डी करूंगा तो दैट मींस ट्रांसफॉर्म अगेन, वो भी रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं एक और कॉपी आ जाए, मतलब 128 का डबल 256 हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा, लेकिन याद रखें फिर ये इस तरह से ओवरलैप आ रहा होगा, राइट। बट मैं अंडू कर रहा हूं तो मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, बस मैं यहां से इसको स्टॉप कर रहा हूं और याद रखें कि ये वाला जो मैंने कंट्रोल डी किया था वो यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ हुआ है। सो पहला ट्रांसफॉर्म पैनल में मैंने 32x32 इसको किया था, दूसरा स्टेप ट्रांसफॉर्म ईच करके ये वाला जनरेट किया था, तीसरा ट्रांसफॉर्म अगेन करके ये वाला जनरेट किया था, ये वाला जो मैंने जनरेट किया था याद रखें कि उसने डबल वाला साइज दिया था यहाँ पे, जो मैंने अंडू किया है, अंडू रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, सो मुझे अब ये वाला स्टेप नहीं चाहिए तो मैं सिंपली इसको ड्रैग करके यहां से डिलीट कर रहा हूं। तो ये अब मेरा एक एक्शन बन गया आइकन सेट्स। अब मैं किसी भी साइज की चीज बना लूं, सपोज मैंने ये एक आइकन बनाया हुआ है और मैं जैसे ही इस पे ये प्ले करूंगा, ओके, सो जैसे मैंने प्ले किया देखें ये आपके पास पैनल दे रहा है, राइट, इसको मैंने कॉपी किया तो फिर ये करके दे रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये मैं चाह रहा हूं कि ये पूछे भी नहीं कुछ भी मुझसे, तो यहां नीचे आकर देखें आपके पास यहां पर टॉगल ऑन ऑफ दिया हुआ है, अगर ये टॉगल ऑन है दैट मींस कि आपसे ये डायलॉग बॉक्स देगा और आपसे पूछेगा कि क्या करना है। सो इसको हटा दें यहां से, सिंपली इस पर क्लिक कर दें, ये अब आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। सो मैं दोबारा एक और ट्राई कर रहा हूं, लेट्स से मैंने एक सर्कल बनाया किसी भी साइज का, डजंट मैटर, ठीक है, और मैंने आके प्ले किया, राइट। और एक और बात याद रखें कि मैंने इसका शॉर्टकट बनाया था शिफ्ट F2, तो मैं अगर कीबोर्ड से शिफ्ट F2 प्रेस करूंगा तब भी ये एक्शन प्ले हो जाएगा, राइट। सो आ जाए हमारा जो पेंसिल वाला आइकन था उसके ऊपर ये ट्राई करते हैं। सो ये मैंने पेंसिल ऐसी एक रैंडम साइज में मैंने यहाँ पर रख दी है पेंसिल वाला आइकन, अगर नहीं देखा तो यहाँ लिंक दे रहा हूँ, ट्यूटोरियल देख लीजिएगा कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। राइट, सो मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट F2 प्रेस करूंगा एंड दैट्स इट। और मजे की बात यह है कि एक्शंस आपके हर फाइल में एप्लीकेबल हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसी फाइल में रहते हुए काम करें जिस तरह ब्रशेस या स्वाचेस का होता है, एक्शंस आपकी तमाम फाइल्स में अवेलेबल रहते हैं। सो अगर मैं एक और चीज आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो बटन मोड हमने बनाया था, बटन मोड जो मैंने बताया था कि देखें मैं बटन में आ रहा हूँ और मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया था, ये रेड कलर का आ रहा है, साथ ही साथ इसका शॉर्टकट की लिखा हुआ आ रहा है
हमारे सामने शिफ्ट F2। तो आई होप आप लोगों को एक्शंस अच्छे लगे होंगे और बहुत काम की चीजें इसमें, बहुत सारी चीजें आप और भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी खास फॉर्मेट में आपको सेव करना है या एक्सपोर्ट करना है, उन सब चीजों के एक्शंस बना सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को एक्शंस पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, अभी तक क्या कर रहे हो। थैंक यू।